गंदी आइसक्रीम है, कड़वी आइसक्रीम है तो। अच्छा लाइए मैं 50 रुपीस दे दीजिए। किसने? हाय काव्या। पापा हमारी फ्रेंड्स की ना पार्टी है तो आप हमें 200 रुपीस दे दो। 200 रुपीस? इतने ज्यादा पैसे? तुम्हें पता है 200 कितने होते हैं? आप दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो? अच्छा देता हूँ 200 रुपीस। लो, बट पैसे की ना वैल्यू करना सीखो। थैंक यू पापा। ओके। पापा पापा मुझे वो डॉल हाउस चाहिए। वो वाला डॉल हाउस? बेटा वो 1500 रुपीस का है, इतना महंगा टॉय। नहीं मुझे वही वाला चाहिए। अच्छा काम करो, उसके पास में देखो 100 रुपीस वाला भी है ना टॉय, वो ले लो। हाँ बेटा 1500 पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और 100 भी बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी मैं आपको 100 रुपीस वाला दिलवा रहा हूँ। 1500 को इतने सारे पैसे थोड़ी ना होते हैं। नहीं बेटा तुम समझती नहीं हो, 1500 पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। आप वाला डॉलर मत लो, आप वो 100 रुपीस वाला ले लो। 1500 वाला ना मैं आपको बर्थडे में दिलवा दूंगा। नहीं मुझे वही चाहिए। नहीं काव्या वो 1500 बहुत ज्यादा है, 100 रुपीस वाला लेना है या नहीं? नहीं। हाँ तो ठीक है, नहीं समझती है ना, चलो घर, हर समय कुछ ना कुछ ही होता है तुम्हें। अरे काव्या क्या हुआ, इतनी सैड होकर क्यों बैठी हुई हो? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे डॉल हाउस चाहिए। देखो काव्या तू बहुत जिद करने लगी हो, तुम्हें पता है वो कितने पैसों का डॉल हाउस था? 1500 रुपीस का। और मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें बाद में दिलवा दूंगा। नहीं मुझे डॉल हाउस चाहिए। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम मुझे ना 7 डेज के अंदर ना 100 रुपीस अर्न करके दिखाओ, ठीक है? फिर मैं तुम्हें डॉल हाउस दिलवा दूंगा। बस 100 रुपीस? हाँ बस 100 रुपीस। वो मैं एक दिन के अंदर कमा के दिखा दूंगी। अरे वाह, एक दिन में? चैलेंज मंजूर। ठीक है। देखा आपने, बच्चों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो देखते हैं 7 डेज के अंदर ये 100 रुपीस अर्न कर पाती है कि नहीं, चलिए देखते हैं। पापा को 100 रुपीस अर्न करने का चैलेंज तो कर दिया, लेकिन हम क्या करूं? आइडिया लीजिए। अरे वाह अच्छी लगी ना? छी कितनी गंदी आइसक्रीम है, कड़वी आइसक्रीम है तो। अच्छा लाइए मैं 50 रुपीस दे दीजिए। किसने? 50। ये कड़वी आइसक्रीम 50 रुपीस की? इसके लिए तो ना मैडम आपको 1 रुपीज ही मिलेंगे, इतनी कड़वी छी आइसक्रीम। अरे आंटी तो बस 1 रुपीज ही लेके गई, चल कोई बाकी और बेचती हूँ आइसक्रीम। आई आई हमारी होममेड आइसक्रीम खाइए, आई आई खा के जाइए हमारी होममेड आइसक्रीम, आई 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 हमारी आइसक्रीम खा के जाइए, आई आई। अरे शाम हो गई, चल कोई बात नहीं और बेचती हूँ आइसक्रीम। आई आई हमारी होममेड आइसक्रीम खा के जाइए, आई घर की बनी हुई आइसक्रीम, आई आई। अरे रात भी होने वाली है, चलो घर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं काउंट कर लेती हूँ पैसे। 1 2 3 5 बस 5 रुपीस हुआ है, चल कोई बात नहीं। अरे काव्या बेटा क्या हुआ, इतनी थक क्यों गई? 100 रुपीस कमाने के लिए आइसक्रीम बेच रही थी। अरे वाह तुमने 100 रुपीस अर्न करने शुरू भी कर दिए, अरे फिर तो तुमने 100 रुपीस कमा लिए होंगे, लाओ दिखाओ। नहीं पापा बस 5 रुपीस ही हो पाए। बस 5 रुपीस? अरे तुम तो कह रही थी तुम एक दिन में 100 रुपीस अर्न कर सकती हो और सिर्फ क्या मिला 5 रुपीस। अब समझ में आई पैसे की वैल्यू, 100 रुपीस अर्न करना कितना टफ होता है।
हाँ, और देखो इसीलिए मैं तुमसे उस दिन मॉल में कह रहा था ना कि तुम मांग रही थी 1500 रुपीस वाला डॉल हाउस, और मैंने कहा था 100 वाला टॉय ले लो, और अगर तुम 5 रुपीस के अकॉर्डिंग 1500 वाला डॉल हाउस खरीदोगी तो तुम्हें चाहिए 150 डेज। 150 डेज? हाँ, मतलब 5 मंथ से भी ज्यादा। इसलिए पापा तुम्हें उस दिन बोल रहे थे कि पापा तुम्हें बर्थडे पे दिला देंगे, पर तुमने कहा अरे पापा 1500 ही तो है। पापा मम्मी बहुत मुश्किल से पैसे अर्न करते हैं तुम्हारे लिए, बट अब आगे से ध्यान रखोगे ना चीज को? हाँ पापा। चलो, तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ में आ गई? हाँ। ठीक है, चलो अब मैं इसी खुशी में ना तुम्हें 8 डॉल हाउस दिलवा देता हूँ तुम्हारा वाला, ठीक है? थैंक यू पापा। चलो सो फ्रेंड्स, और आपको पैसे की वैल्यू मम्मी पापा अर्न करते हैं, हम उसका टॉय ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पैसे सेव करने चाहिए। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।